ओम श्री महागणाधिपते नमः आचम्यौ प्राणायम्यः ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः अपवित्र पवित्रो वाशरवास्तां गतो विवाह यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाय्या पिन्तस्पुण्डरीकाक्षं पुनातु हस्तैः पुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुंहवामहे वसौ मम अहमजानिगृपदम त्वमजाशीघ्रपदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्यस्वकः सुपदति काङ्कां पीलवासनीम् सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमः गणाधिपते नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि वक्रतुण्डमः काय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नां कुरु मे देव सर्वकारीषु सर्वदा श्रीमः गणाधिपते नमः ॐ पावकानः सरस्वती पाजी भृपाजिनीवति यत्नम् वष्टुधिया वसु श्रीमद्भागवतग्रन्थाधिष्ठा श्रीकृष्णाय नमः ध्यायै ध्यायामि ध्यानाति आसनाति पुष्पं तुलसीपत्रं समर्पयामि विलेपनार्थे गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पूजार्थे पुष्पं पुष्पमालान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मे प्रभो मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रकृतां पुष्पं पुष्पमालान् समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि धेनमुद्रां पत्रस्य ग्रासमुद्राम् अर्पयित ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा अभ्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्रवणीं नमो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आच्मिन्यमद्ये पानीयमुद्रा पोषणमतप्रक्षालनाथे मुखप्रक्षालनाथे जलं समर्पयामि करौतपतनाथे पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि मुखवासाते लालपङ्कितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तरौ जयमुदीरैर्व्या विष्णवैरः श्रीमहाग्रन्थाधिष्ठा देवताभ्युर्म सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूज्या यथा लब्धुभिः पूजनाख्ये कर्माते श्रीभगवान् श्रीकृष्णः प्रियतां नमः व्यासपूजनं नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरूरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटिगधारणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः गन्धः पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु अक्षतः पान्तु आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पान्तु सस्त्रियमस्तु दक्षिणा पान्तु भवदीयं चास्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बोलकृष्णकन्हैया लाल की जय।
हरिओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेव हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं
रुद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः मधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसुनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसुनं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं Thank you.
प्रभु रामचंद्र भगवान की पवन सूत हनुमान की जय हो। जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। जगद्गुरु हंस देवाचार्य जी महाराज की जय हो। जगद्गुरु करसनदास जी महाराज की जय हो। जगद्गुरु नानक दास जी महाराज की जय हो। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय हो। सतपन सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की ओ ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधा महारानी की असीम कृपा, भगवान के आशीर्वाद, संत महंतों की कृपा और हमारे सत्कर्मों की फलश्रुति कि माँ गंगा की गोद में बैठकर हम गोपी गीत का गायन कर रहे हैं और गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं। अपने आप में राधा महारानी का नाम मधुर है, भगवान का नाम मधुर है। और उसमें भी वह नाम जो मधुर है, जो कल्याणकारी है, जो आनंदकारी है, जो हृदय को निर्मल पवित्र बनाता है, विषय विकारों से दूर ले जाता है, विषय विकारों को हटाता है, ऐसा जो पवित्र नाम है, वो पवित्र नाम जब हम माँ गंगा की गोद में बैठ कर लेते हैं तो और भी ये हमारे लिए भाग्य का लक्षण है, ये हमारा सद्भाग्य है कि उस मधुराधिपते रखिलम मधुरम का नाम हम यहाँ प्रयागराज में माँ गंगा की गोद में बैठकर और जगत गुरु भगवान के सानिध्य में उनकी कृपा छत्र में हम इस नाम को ले रहे हैं। हम हरि नाम की कथा सुन रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, यह हमारे लिए सद्भाग्य की बात है। मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हुआ हमारे
परम श्रद्धेय परमादरणीय संत श्री राम किशन दास जी महाराज को प्रणाम करता हुआ, महाराज श्री का अभिवादन करता हुआ, पूज्य जगतगुरु भगवान का स्मरण करता हुआ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ यह उपस्थित आप सभी और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनेकों लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो आप सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि यहाँ पहुँचने में थोड़ी भी देरी हो जाए तो फिर फोन भी शुरू हो जाता है, 3 बजे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कथा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि बहुत लोग इसे सुन रहे हैं। तो हमें इस बात की प्रसन्नता है कि घर बैठे बैठे भी कई लोग जो है वो यहाँ उपस्थित है और यहाँ आकर वो कथा का लाभ ले रहे हैं और ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष वहाँ उपस्थित है, माँ गंगा की गोद में ही उपस्थित है और कथा का रसपान भी कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जब भगवान की कथा हो तो शरीर से नहीं तो मन से उपस्थित होना जरूरी होता है, कथा शरीर से नहीं जुड़ी, कथा तो मन से जुड़ती है, कथा मन का संचालन करती है, मन को संस्कार देती है। इसलिए कई बार हम शरीर से पहुंच जाते हैं, मन कहीं और भटकता है तो बैठने का कोई मतलब नहीं है। हम कथा में जरूर बैठ जाते हैं लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। अगर आपको लगता हो कि अभी अभी हमने तो कथा सुनी थी, अभी तो कथा सुनकर आए और वापस कथा को सुनना क्यों है, जब भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने पर थोड़ी शंका हो जाए और कंटाला आ जाए, आपको थोड़ा बोर होने लग जाए, तो समझना कि अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, दुनिया की कोई भी माँ को याद करो, कोई भी माँ का स्वभाव याद करो, उसे एक बात बहुत पसंद होती है हर माँ को, उस माँ को एक बात पसंद होती है कि उसके बेटे की कोई बढ़ाई करे तो तब वो बहुत खुश होती है। आप देखना किसी भी माँ के साथ बेटा हो ना छोटा, उस बेटे से प्रेम करो, लाड़ प्यार करो, वो माँ अपने आप खुश हो जाएगी, वो माँ आपके ऊपर खुश हो जाएगी अगर आप उसके बेटे के साथ प्रेम करते हो। और बेटे का जो बड़प्पन है, बेटे की जो बढ़ाई है, वो सुनने में माँ को बहुत आनंद आता है कि और उसके बेटे की वो बढ़ाई करे, जो उसमें गुण नहीं है वो भी कह दे, माँ खुश हो जाती है। क्या कोई माँ आपको आज तक ऐसे मिली जो माँ कह दे कि बस हुआ, अब बस भी कर दो, मेरे बेटे की कौन बढ़ाई कर रहे हो, नहीं रोकती है बेटे की बढ़ाई करने से। उस माँ के कान तो हमेशा तैयार रहते हैं कोई मेरे बेटे की बढ़ाई करे, बेटे की मैं अच्छी बातें सुनूं। बार बार आप उस माँ को बेटे की बात सुनाओ, माँ ऐसे नहीं कहती बस, कितने बार कहोगे, बार बार सुनना उसे पसंद है। क्यों? वो माँ नहीं रोकती बढ़ाई करने वाले को कि बस भी हुआ, अब बस भी कर दो, कितनी बढ़ाई करोगे, नहीं रोकती। क्यों? बेटे से प्रेम जो है। इसलिए जब प्रेम हो जाता है, जिसके ऊपर प्रेम होता है ना, उसकी बात सुनने में, बार बार उसकी चर्चा सुनने में कभी हमें बोर नहीं होता, कंटाला नहीं आता।
हम थकते नहीं है उसका गायन सुनते सुनते, वैसे ही है जब आपका मन हो जाए बार बार में कथा सुनो, बार बार में बस कथा में जाकर बैठू, बार बार में हरि नाम संकीर्तन करूं, मैं प्रभु को याद करूं, बार बार याद करूं, तो समझना अब ये प्रभु से प्रेम हुआ है। हम जिससे प्रेम करते हैं याद करने की जरूरत ही नहीं होती, वो यादों में ही बस जाते हैं। याद तो तब करना होता है जब हम भूल जाते हैं, तो याद करना पड़ता है। लेकिन इतना यादों में बसा दो कि भगवान को हम भूले ही नहीं, इसलिए जब प्रेम होगा ना तब ये सारी बातें अपने आप हो जाएगी, मुझे कहने आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी शराबी को शराब पिला दो फिर शराब पीने के बाद उसे सिखाना नहीं पड़ता कैसे चलना है करना है, शराब पिला दो बाकी अपने आप हो जाता है। एक शराबी शराब की दुकान में जाकर पूछता है कि भाई मैंने आज तक शराब नहीं पी, अब शुरू करता हूँ। दुकान वाले ने कहा हो बहुत देरी कर दी आपने शुरुआत करने में, कर दो अच्छी बात है, उसे तो दुकान चलानी है। तो उसने कहा बस एक बोतल दे दो, एक बोतल खरीदी। शराबी पूछता है बोतल तो खरीदी अब शराब पीने के बाद बोले क्या करना पड़ता है, बोले चलना कैसे है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, करना क्या है। दुकान वाले ने कहा तू बस इस बोतल को पी ले, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होगा अपने आप हो जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह शराब पीने के बाद अपने आप ऐसे ऐसे लड़खड़ाते चलेगा, फिर एकदम नशीली नजर हो जाएगी, रास्ते में जो भी आएगा उसको गाली तक दे देगा, अब सीखा नहीं था अपने आप आ गया, अपने आप हो जाता है। उसी तरह हम इस राम के इस रस को, इस कृष्ण रस को पी तो ले, हम भगवान को हृदय से याद तो कर ले, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फिर अपने आप होने लग जाता है, फिर उसमें कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप होने लग जाता है। इसीलिए हम उस राम रस को प्राप्त करने की कोशिश करें। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना हो पीना, शाम सवेरे पीना इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना हो जीना, मस्ती में तू जीना। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना और इसको पीकर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना। भजन बिना चैन न आए रामा, रामा भजन बिना चैन न आए रामा। किसी को निंदा करके चैन नहीं मिलती, जब तक निंदा न करे चैन नहीं मिलती, किसी को किसी के दोष न निकाले तब तक चैन नहीं मिलती,
किसी को गलत शब्द न कह दे तब तक चैन नहीं मिलता। और भगवान के भगत होते हैं, भजन बिना चैन न आए राम। कभी किसी दिन भगवान को याद करना भूल जाओ तो लगना चाहिए आज कुछ तो भूल हुई है, इतनी आदत लगा दो। जैसे ही दोपहर में 2 बजे का समय हो जाए तो मन दौड़ने लगता है भंडार की ओर, रसोड़े की ओर, और चाय याद आती है, नहीं आती? जैसे चाय का समय हो जाए तो बस अब मन वहां दौड़ने लगता है, तैयार हो गई भी होगी नहीं हुई होगी, चाय पी के कथा में जो बैठना है। जैसे किसी दिन समय पर चाय आप लेना भूल जाते हो तो कुछ समय बाद जरूर याद आ जाता है आज कुछ रह गया है, फिर याद आता है अरे आज तो चाय पीना ही भूल गए रह गई, क्योंकि उसकी याद क्यों आती है, भूल गए हो कुछ काम में थे भूल गए फिर भी याद आ गया कि चाय आज पीना रह गए, क्यों? चाय का आप रोज जो पान कर रहे हो, रोज पान करने के कारण उसका व्यसन बन चुका, वो आदत बन चुकी। गोपी गीत का सार तो यही है कि हम कृष्ण नाम राम नाम की आदत बना ले, जैसी और आदतें लग जाती है ना वैसे राम नाम की आदत लगा ले तो आप भूल नहीं सकते। भूल भी गए तो मस्तिष्क में बुद्धि में संकेत आएगा कुछ भूल रहा है, याद कर क्या भूल रहा है। जब आदत होगी तब, कोई बहुत शराबी हो शराब पी रहा हो तो उसे कह दो कि शराब छोड़ दो, वो बोलता है गुरुजी शराब छोड़नी तो है लेकिन जब छोड़ दो तो खड़ा नहीं रह पाता, इतनी आदत बन जाती है कि उसके बगैर रह नहीं सकता, बीमार हो जाता है खड़ा नहीं रह पाता। अगर शराबी इतना खराब शरीर होने के बाद भी, शरीर खराब होने के बाद भी शराब नहीं छोड़ रहा, जीवन खराब होने के बाद भी शराब नहीं छोड़ रहा है तो उसकी तरह हम राम नाम का रस क्यों नहीं धारण करते, उसी तरह जैसे वो छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ने से तकलीफ हो रही है, क्योंकि आदत जो है हम भी राम नाम की आदत लगा ले कि छूटे नहीं, और छूट जाए तो जरूर हमें पता चले कि आज कुछ छूट गया है, आज हम कुछ भूल रहे हैं। जब किसी चीज की आदत हो तो वो याद रह जाती है, हमें याद करो बोलना पड़ता है क्योंकि आदत नहीं हुई ना अब तक, इसलिए याद हो जाए तो मेरे को मुझे कहने का कोई फिर काम ही नहीं है कि याद करो। इसलिए भगवान का नाम हरि का नाम हमारी आदत बन जाए, हर रोज हम उस भगवान को याद करें, हरि का भजन करें। भजन माने जो भी आप माला करो, भगवान का पूजन करो, प्रतिदिन प्रतिदिन जितना हो सके उतना भगवान का भजन करिए। कल तो मैंने कहा था मेरे प्रणाम से भी ज्यादा भगवान का भजन करिए, क्योंकि हमने अनुभव किया भगवान का भजन कम हमारा प्रणाम ज्यादा हो रहा है। हमारे प्रणाम का फल तो तब है जब हमने जो बात कह दी वो करके प्रणाम करोगे, तब कहने और कथनी में अंतर न होना चाहिए। हमारे प्रणाम का अधिकार तो आपको तब मिलता है जब आप हमारी बात सुनते हो, जब सुनते हो तो प्रणाम करिए तो फायदा भी है, नहीं तो क्यों व्यर्थ फॉर्मेलिटी करते हो और टाइम पास हमारा तुम्हारा भी करवाते हो। और संतों का सम्मान संतों का प्रणाम तो है कि आप भगवान को भजते रहिए, भगवान का नाम गाते रहिए, बस जपते रहिए, ये संतों का प्रणाम है। आज जगत गुरु जी जब बाहर
धूप में आज थोड़ा समय बैठे थे, तो जो भी संत महात्मा है, जो भी आया, तो वो सबको माला दे रहे थे, सबको कह रहे थे भजन करिए, यही संतों का स्वभाव है, ये उनकी वृत्ति है। वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करिए, भगवान को भजिए, वो उनका प्रणाम है। दूसरी बात कह दूं, आप औरों को भी इन बातों को कह सकते हो, कहना चाहिए। जब कोई भी संत महात्मा रास्ते से जा रहे हो तो बीच में आकर प्रणाम मत करिए, उनको रोकिए मत, बाधा मत बनिए। वो जा रहे हैं कुछ अपने कार्यों से, वो खुद ही अगर व्यस्त नहीं है, वो अगर फ्री है, तो वो चलते चलते जरूर आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कैसे हो, क्या हो, रुकेंगे, अपने आप को रोक देंगे आपके लिए, क्योंकि संतों का जीवन ही तो आप ही के लिए है। लेकिन जब कहीं जा रहे हो तो रोकिए मत, बाधा मत बनिए। हम जहां खड़े हैं वही खड़े रहकर बस अपना मस्तक झुका दे, सर झुका दे, उनको प्रणाम करे, वो आपको देख ले, आप उन्हें देख लो, हो गया ना प्रणाम, और एक्टिंग की जरूरत क्या है। हम सीधे आड़े हो जाते, वो संत गिर जाए, जो होना हो उसका हो जाए, मुझे तो प्रणाम करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। संतों का प्रणाम करते हो तो प्रणाम के साथ सम्मान करते भी आना चाहिए, ऐसा ना हो गए प्रणाम करने थे और अपमान कराए और अपमान कर बैठे। संतों के साथ इसी तरह से हमने पेश आना, बाधा नहीं बनिए। हम जहां है हम वही खड़े रहे, प्रणाम करे, जरूरत नहीं है आप आड़े हो जाओ और फिर नीचे झुको और फिर पैर ही पकड़ लो और दो मिनट तक पैर छोड़ो ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इतना ही मान रहे हो तो उनकी वाणी को मानिए, उनके विचारों में मानिए, उनकी वाणी को जो वो कह रहे थे उसको जीवन में उतारने की क्यों नहीं हम इतनी कोशिश करते जितनी कोशिश प्रणाम करने में होती है, वो कोशिश होनी चाहिए। संतों की कही बातें जीवन में उतारने से कल्याण होता है, न कि खाली प्रणाम 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 करने से। इसीलिए मैंने बात इसलिए कह दी कि कभी मैं भी मना कर देता हूं कि जाइए आप आपका काम करिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तो किसी को बुरा न लगे, इसलिए हमने इस बात को कहा कि हमारा मन भी ऐसे ही नहीं होता कि क्यों प्रणाम करते हो, आप तो छोटे आदमी हो, हम संत है, ज्ञानी है, कोई जरूरत नहीं है प्रणाम करने की, हटो, ऐसे नहीं होता। मैं गोपी गीत पर चर्चा कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है, यह कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, यहां तो हम सब आत्माएं हैं, या कोई क्षुद्र नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, यहां तो हम सब एक है, एक ही मां के बच्चे, हम सब एक ही पिता हमारा है, बस ये है भाव गोपी गीत का। कोई हमें तकलीफ होती है वो वाला भाग नहीं है, लेकिन कई बार ये हमसे थोड़ा हो जाता है, इसलिए हमने चर्चा की, क्योंकि हम ठीक है हम संत है, लेकिन हमें भी तो सेवा जरूरी होती है, हम भी तो कुछ सेवा में व्यस्त रहते, इसलिए हम बस उनकी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करें, संतों की बातों को जो हमने सुनी उसको जीवन में उतारना ही उनका प्रणाम है, और जो उनकी कही बातों के अनुसार नहीं चलते ना, हमने अक्सर देखा है वो ज्यादा झुका करते हैं, बाधा बनते हैं प्रणाम में, प्रणाम करते रहते, और जो उनकी वाणी को जीवन में उतार कर चल रहे हैं, वो तो 15 दिन बाद भी पता चलने नहीं देते कि उस मेले में हम भी थे,
वो बस अपने कार्यों में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। बस जो सेवा मिल जाए वो सेवा करेंगे। जो जो जहां सेवा हो, मेरे गुरुदेव का ये कार्य है, ये भगवान का, धर्म का, संतों का ये कार्य है। मैंने अपने आप को गिलहरी बनाना है। मैंने जो काम मिल जाए, ये जो सेवा यज्ञ चल रहा है, मैं सेवा करूं। ये तो पर्वणी होती है कुंभ की, कि हाँ, जो सेवा मिले अपने आप ढूंढे मेरे लिए कौन सेवा है, सेवा करे। सेवा भी एक अनुष्ठान है। जब हम सेवा के बदले कुछ अपेक्षा नहीं रखते, वो अनुष्ठान बन जाता है। ये सेवा भी साधना बन जाती है, ये सेवा भी तपश्चर्या बन जाती है, जब वो भाव हो सेवा के समय, निष्काम भाव हो। इसीलिए हम भगवान का जितना भजन कर सके, नाम संकीर्तन कर सके, आप करिए। जब हम अमरीका थे, तो जिस परिवार में गए, वो परिवार वाले, एक परिवार में जैसे हम गए, बाद में तो सभी परिवार में हमें अनुभव हुआ कि हम परिवार में गए तो वो 8 जप मालाएं लेकर मेरे हाथ में रख दी। मैं बोला, आप जप माला क्यों वापस कर रहे हो? बोले, गुरुजी वापस थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो हमारी मालाएं है। मतलब, मैं बोला, ये किन किन की है, कितनी है? बोले, 8। मैं बोला, 8 ही क्यों है? बोले, हम सदस्य घर में 8 है और सबकी अलग माला है, अलग अलग माला है। बस आप आए थे तो हमने सोचा आपका स्पर्श कराए और आप और आशीर्वाद दे कि जब माला करे तब एकाग्रता हो और तब हमारा ध्यान लगे, भगवान का भजन हो, मन भटके नहीं, ये आशीर्वाद दीजिए। अब ये सुनने के बाद नया प्रोग्राम मत चालू करा देना कि मैं जब मिलूं तब माला पकड़ा दो मेरे हाथ में। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आपकी माला जब मेरा स्पर्श होगा तब पावरफुल बनेगी, ये नहीं कहा। वो अपने आप में भगवान का नाम पावरफुल है। मैंने ये कहा कि विदेशों में इतना व्यस्त होने के बाद भी हर व्यक्ति की अलग माला घर में पड़ी है और भगवान की माला करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधना करते हैं। वहां व्यस्त होने के बाद भी, क्योंकि करना है तो समय मिलता है, नहीं करना है तो बहाने होते हैं। इसीलिए भगवान को भूलो नहीं। भगवान का भजन जितना हो सके आप करते रहिए, जप करते रहिए। कोई दिन ऐसा ना हो, दिन की शुरुआत ऐसी ना हो कि आप माला न करें। सुबह कुछ व्यस्तता थी कुछ काम से, क्योंकि संसार है, गृहस्थाश्रमी हो आप, उसको आदत बनाओगे तो सब होगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ भी जाती है तो आप जैसे समय मिले तब भगवान के नाम को याद कर सकते हो। हर समय, हर श्वास में नाम जप की महिमा है। हम तो दिन दिन निकल जाए तो नाम नहीं लेते, सोचते हैं जब अब अगली कथा में जाएंगे तब जितना नाम लेना हो ले लेंगे, एक ही बार कोटा पूरा कर देंगे, बाद लेना ही नहीं पड़े कितने महीने, हम ऐसा सोचते हैं। कई लोग तो हमने देखा हंगामी भक्ति करते हैं, हंगामी। जैसे बेटे की कल एग्जाम है ना, तो वो पहले से तैयारी नहीं करेगा, कल एग्जाम है तो रात भर वो जागता रहेगा। क्यों रात भर जागेगा? कल एग्जाम देनी है। जब एग्जाम में जाएगा तो नींद हुई नहीं है, पूरी प्रेशर बना रहेगा और जाके वहां सो जाएगा, मन लगेगा ही नहीं, मन कैसे प्रसन्न होगा? शरीर में थकावट है, कैसे हम एग्जाम दे पाएंगे, कैसी प्रसन्नता होगी? लेकिन जो पहले से 8 दिनों से लगे पड़े थे होमवर्क करने में कि एग्जाम में जाना है, एग्जाम इस तारीख में है, तो वो आसानी से अपनी एग्जाम देते हैं, पास भी हो जाते हैं। हमारा भी, हम जैसे हंगामा आएगा तब हम सोचते हैं कुछ करे, जब तक कोई विपदा नहीं आती हम भक्ति करने तैयार ही नहीं होते। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदत बना लो, बस हर रोज की आदत बना लो, यही
गुरुदेव का प्रणाम है, गुरुदेव का सम्मान है, यही गुरुदेव की महिमा है और उनके प्रति व्यक्त किया हुआ आदर है। अब क्या हो रहा है आज कि गुरु और शिष्य के बीच में से भगवान ही गायब हो चुके हैं। गुरु और शिष्य में से जो सनातन तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, जिस कारण से गुरु और शिष्य का ये रिलेशन हुआ, ये नाता जुड़ा है, हम उस माध्यम को ही भूल चुके हैं। गुरु माध्यम है, हमारा ध्येय परमात्मा है, ईश्वर है, गुरु माध्यम है। आप जब यहाँ प्रयागराज आने के लिए रेल में बैठे थे तो रेल में बैठना आपका ध्येय नहीं था, आपका ध्येय था प्रयागराज पहुंचना है, रेल को माध्यम बनाया, रेल के माध्यम से आप प्रयागराज में पहुंचते हो। इसलिए गुरु पर प्रेम हो, उस प्रेम की सीमा नक्की हो, उसकी मर्यादा हो और पूरा पूरा समर्पित होना हो, तो हम जो गुरु ने भगवान का नाम बताया, जो भगवान की महिमा बताई, उस भगवान को शरण हो जाए, समर्पित हो जाए। इसीलिए गुरु एक माध्यम है। गुरु का अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। वो है तो भगवान की मुलाकात होती है, महत्व है, लेकिन हम उस प्रेम में भगवान को नहीं भूले जो सनातन तत्व है, जो आत्म तत्व है। और गुरु से प्रेम का मतलब है गुरु के अंदर विराजमान आत्मा से प्रेम। और जब गोपी गीत के समय मैं प्रेम शब्द का उच्चारण करता हूं तो वहां से जगत और संसार, संसार का दिया ये शरीर हट जाता है और बात बचती है आत्मा और आत्मा की। वहां से संसार हट जाता है, वहां से शरीर हट जाता है, जो नासीवंत क्षणिक क्षणभंगुर है, जो जलने वाला, जो दफन होने वाला है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाली है, वो शरीर हट जाता है, वो संसार हट जाता है जो नासीवंत है। और वहां मुलाकात होती है, चर्चा होती है, संबंध होता है अजर अमर और अविनाशी तत्व का। इसीलिए हम शरीर संसार से नहीं, हम आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन असरकारक भी है। इसीलिए हम मर्यादा नक्की करें, हम सीमा नक्की करें हमारे लिए, हमारे इस गुरु शिष्य की इस बंधन में भगवान गायब न हो जाए, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है वो गायब न हो जाए। हमें साधना गुरु की नहीं, साधना गुरु के बताए मंत्र की करनी है। हमें सेवा गुरु की नहीं, हमें गुरु के बताए उस ज्ञान की सेवा करनी है। इसीलिए भगवान सर्वस्व है, हम भगवान को समर्पित हो और भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। आइए एक मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करें, हृदय से पूरे पूरे भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। देखिए आप वहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हो ना एक्यूप्रेशर, हाँ, ये भगवान के भजन के समय ताली बजाना भी एक्यूप्रेशर है।